बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके रैली निकाल कर विधायक सुभाष ठाकुर तथा उनके नजदीकियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक्सिन पीडब्ल्यूडी का कार्यालय का घेराव किया। करीब एक घंटे तक पूर्व विधायक व उनके समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया तथा विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने मौजूदा विधायक को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीते 6 महीने से विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, लिहाजा पुरानी कांग्रेस सरकार के कामों को अपना बताने की जद्दोजहद जारी है। उन्होंने कहा कि हैरानी तो इस बात की है कि इसके लिए वे पहले से स्वीकृत स्कीमों का शिलान्यास पट्टिकाओं को तुड़वाकर अपना नाम अंकित करवा रहे हैं, उस पर विभागीय अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि अफसरशाही राजनेताओं के दबाव में विभाग काम कर रहा है। बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि कंदरौर समेला सड़क का शिलान्यास और इसके लिए बजट 3 अक्टूबर 2017 को स्वीकृत कर दिया गया था, जिसका दोबारा पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को डरा धमका कर शिलान्यास करवा दिया गया। सरकारी धन के दुरुपयोग के चलते ऐसे अधिकारियों और विधायक के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज होनी चाहिए। बंबर ठाकुर ने कहा कि विधायक अपने रिश्तेदारों के साथ ठेकेदारों के टेंडर बिना सार्वजनिक नोटिस के लगा रहे हैं और पूर्व वीरभद्र की सरकार में सदर को 65 सड़कों के लिए जो धनराशि विधायक निधि द्वारा जारी की गई थी, जिनके टेंडर भी हो चुके थे, लेकिन विधायक सुभाष ठाकुर के आदेशों पर उन सड़कों का कार्य रुकवा दिया गया है तथा पूर्व विधायक द्वारा स्वीकृत करवाई गई राशि को जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीजन 1 में विधायक की दादागिरी के कारण 50,000 रुपए राशि के टेंडर केवल भाजपा व MLA समर्थक ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, कोई भी टेंडर प्रक्रिया नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाई जा रही है। विधायक बंबर ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि उक्त ठेकेदारों के साथ MLA की साझेदारी व हिस्सेदारी की जांच करवाई जाए और अनियमितताएं PWD विभाग IPH विभाग में सुभाष ठाकुर ने जो शुरू की हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की होगी। क्योंकि जो शिलान्यास कांग्रेस सरकार में हुए थे उन पटिकाओं को PWD डिपार्टमेंट के अफसरों की मिलीभगत से MLA सुभाष ठाकुर तोड़ रहा है और उन पटिकाओं की जगह अपनी पटिका लगा रहा है, और दूसरे यहां पे सरेआम लूट झूट हो रही है। बिना बजट से टेंडर लगाए जा रहे हैं, केवल मात्र 2-3 ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना बजट से टेंडर लगाए जा रहे हैं, हेराफेरी हो रही है सरेआम। उसमें भी अफसर और सुभाष ठाकुर मिले हुए हैं, इन दोनों के मिला भगत से जीजा और साड़ा दोनों ठेकेदारी यहां पे कर रहे हैं। एक वो ढिलो ठेकेदार है और सारे टेंडर जो है ढिलो को दे दिए गए हैं, और वो PSO है, उस PSO का भाई है। ये सरकार जो है, ये MLA जो है, वो अपने PSO को, अपने साड़े को बिना बजट से टेंडर लगा करके रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। ये लूट सूट के खिलाफ हमारी ये रैली है, और जो हमारी पटिकाएं तोड़ी जा रही हैं और पटिकाओं के आगे शिलान्यास के ऊपर शिलान्यास किया जा रहा है, उद्घाटन के ऊपर उद्घाटन किया जा रहा है, जो उद्घाटन हम पहले कर चुके हैं उसका उद्घाटन हो रहा है, जो शिलान्यास हम कर चुके हैं उसका शिलान्यास किया जा रहा है, ये तोड़फोड़ जो है MLA करवा रहे हैं। इस विरोध में हमने यहां पे आज धरना रखा हुआ है कि इस प्रकार से जो दादागिरी MLA की चल रही है, जो गुंडागर्दी MLA की चल रही है और जिसमें अफसर लोग भी शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ हमने आज आवाज बुलंद की है। और आज हमारा ये सांकेतिक धरना 1 घंटे के लिए है, और फिर भी यदि ये नहीं सुधरे तो ये 24 घंटे 72 घंटे के लिए चलेगा, और सड़कों पे इसके बाद हम 2-3 दिनों के बाद सड़क पे जो है MLA की अर्थी भी जलाएंगे, उसके घर के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। ऐसी दादागिरी MLA की और अफसरों की चलने नहीं देंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी है, MLA है, उसको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। MLA ने 4 लेन से सारी गाड़ियां, जो बिलासपुर के नौजवान थे उनकी गाड़ियां हटवा दी, अपनी गाड़ियां वहां पे लगी है। 9 लाख रुपए महीने का MLA वहां पे 4 लेन के अंदर कमा रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, सारे नौजवानों का रोजगार उसने मार करके अपने घर को लेके गया है। इस तानाशाही के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस जो लूट सूट जो मचाई है, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन आज